तो फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें तुम प्लान करते हो, सोचते हो और फिर कुछ डिसाइड करते हो कि किसी टीम के अगेंस्ट क्या करना है। और वैसे एक और गेम है रेड शैडो लेजेंड्स। हाँ, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट जो बात करनी है ना वो एक कॉन्सेप्ट के लिए। अगर मैं चेस का एग्जांपल लूँ ना, तो चेस में एक कॉन्सेप्ट होता है हिप्पोपोटामस का, और उसमें ये होता है कि तुम ऐसे एक जगह को पैसिवली डिफेंड करना, मतलब ऐसा लगे नहीं कि तुम सेंटर डिफेंड कर रहे हो, बट तुम कर रहे हो वाई द पोजिशनिंग ऑफ योर नाइट्स, बिशप्स वगैरह वगैरह, जो भी तुम्हारे पॉन्स हैं, जो भी तुम्हारे ट्रूप्स हैं। तो वैसे ही फुटबॉल में भी ऐसी चीज़ होती है, और आई थिंक कि जो शावी के साथ आजकल हो रहा है और जो बार्सा के साथ आजकल हो रहा है, वो इस चीज़ को अच्छी तरह डिफाइन करता है। वो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ स्पेसिफिक बार्सिलोना के लिए, बट मोर ऑफ अ की कॉन्सेप्ट कि कैसे टीम्स डील कर रही हैं कुछ चीज़ों के लिए। और हो सकता है बार्सा फैंस के लिए ये इसलिए मज़ेदार है क्योंकि देखने को मिल जाएगा कि क्या गड़बड़ हो रही है बार्सा के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, और आई थिंक कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टार्ट करने के लिए वो है कि लाइक आई विल ट्राई टू पुट अ कंटेक्स्ट, और वो ये कि बार्सा के साथ है कि वो हाई इंटीरियर्स के साथ खेलते हैं, वाइड विंगर्स, हाई इंटीरियर्स। और हाई इंटीरियर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दे बिकम वन ऑफ द मोर प्रोमिनेंट अटैकिंग फिगर्स, एटलीस्ट बार्सा के गेम में उनकी पोजिशनिंग ऐसी होती है, बड़ी डेंजरस पोजिशन में होना है। शावी कहते हैं कि डी के अंदर, बॉक्स के अंदर आओ, और ये सब इस पर बड़ा जोर है शावी का। तो इसी से रिलेटेड हम बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि आखिर गड़बड़ क्या हो रही है। और आई थिंक जो बेस्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग है कि गड़बड़ हो क्या रही है, वो एक ये पोजिशनिंग है। और आई थिंक इसमें तुम देख सकते हो कि पेद्री का है, और अगर ऐसे प्लेयर्स जो कि बार्सा के लिए इतने इंपॉर्टेंट है पेद्री जैसे, और वो अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर है, तो ऑब्वियसली बार्सा सफ़र करेगी। तो ये एक इशू रहा है बार्सा के लिए रिसेंट गेम्स में। देर इज़ अ रीज़न आई एम टेकिंग फ्रैंकफुर्ट एज एन एग्जाम्पल, क्योंकि आई थिंक कि फ्रैंकफुर्ट हैज़ बीन द मोस्ट प्रिपेयर्ड, सबसे वेल थॉट, सबसे अच्छा प्लान रहा है उनका अगेंस्ट बार्सिलोना। तो इट्स गुड टू लुक एट दिम। और यहाँ पे अब तुम देख सकते हो कि पेद्री कहाँ पे उसे आना पड़ रहा है बॉल लेने के लिए, एंड यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब तुम देख सकते हो देर आर सेवरल सीक्वेंसेज ऑफ प्ले जहाँ पे बार्सिलोना ट्राई करती है किसी इंटीरियर को फाइंड करने का, बट नहीं कर पाती। अब देखते हैं हम कि कैसे बार्सिलोना जा रही थी अपने विंगर्स को। अब क्योंकि जब तुम सेंटर नहीं यूज़ कर सकते, तो ऑब्वियसली बात है भाई तुम विंग्स पे ही जाओगे, जो चीज जगह अवेलेबल है। तो फ्रैंकफुर्ट मेड इट सीम कि देवर नॉट डिफेंडिंग वाइड स्पेसेस, जो हिप्पोपोटामस की मैंने बात करी थी। अब ये चेस का कॉन्सेप्ट है, बट आई थिंक यहाँ पे कुछ ना कहीं रेलिवेंट है। वो ऐसा लग रहा था कि वो ज़्यादा फोकस थे सेंटर डिफेंड करने में वगैरह वगैरह, बट देर वॉज सच अ ब्रिलियंट प्लान कि कैसे डेम्बले और फेर्रान को डिफेंड करना है इनको। और बेस्ट वे टू पुट इट इज आई थिंक कि जो एक स्टार्ट था वो ये था कि फेर्रान ने शायद फर्स्ट हाफ में एक भी शॉट नहीं लिया था, और ये मतलब शो करता है लाइक ही हैज़ बीन एक सॉर्ट ऑफ ऐसा फिगर बार्सिलोना के लिए जो बहुत शॉट्स ले रहा है, बहुत अच्छी मूवमेंट है, अराइविंग इन टू द बॉक्स, गेटिंग इन टू डेंजरस पोजिशंस। और ये सब चीज़ जब नहीं हो रही तो तुम सोच सकते हो कि क्या गड़बड़ा। अब देखते हैं कि डेम्बेले के साथ क्या हो रहा था। ऑब्वियसली इस मैच में सिर्फ ऐसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है, प्लेयर्स बहुत खराब खेल रहे थे, स्पेशली मिंग्वेजा के पास यहाँ पे ऑप्शन था डेम्बेले के पास जाने का, बट इट्स द वे ही गोज देयर, और वो मैसेज है उसके पास में जो फ्रैंकफर्ट प्लेयर समझ पा रहे। तो वो तुम देख सकते हो कि वो मैसेज ये है कि उसने बॉल ऐसे दी है कि नाउ ही विल गेट अ डबल टीम, मतलब मिंगेजा डिडंट टेक हिज मार्कर अवे। और यहीं पे वो डैनी अल्वेज़ या फिर डेस्ट का फर्क रहता है मिंगेजा के कंपैरिजन में, जो आई थिंक कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में दिखा भी था जब चेंजेस हो गए थे। तो यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम थी बार्सिलोना के लिए कि डेम्बेले को जब वो देख रहे थे तो वो ऐसे दिख रहा था उन्हें। अब जब तुम ऑब्वियसली तुम्हारे इंटीरियर्स तुम एक्सेस नहीं कर पा रहे, डेम्बेले पे तुम डबल टीम्स दे रहे हो फालतू में, तो एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि अब हम इन डबल टीम्स को सॉल्व कैसे करें। और बेस्ट वे होते हैं कि सॉल्यूशंस ढूंढो तुम थ्रू न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी, कंबाइन करना वगैरह वगैरह, और वो भी अनफॉर्चुनेटली नहीं थे इवन फॉर अ प्लेयर विद द कैलिबर ऑफ डेम्बेले, ही डिडंट हैव एनी ऑप्शन, और शायद कैलो पेड्री इंजर्ड था वगैरह वगैरह। एवरीथिंग वेंट रॉन्ग फॉर बार्सिलोना, और दिस द रीजंस इट स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंपल रीजन कि हम बार्सिलोना वॉज नॉट एबल टू एक्सेस देयर इंटीरियर्स, और यहीं पे गड़बड़ हो रही थी। अब एक वो देखते हैं, पैसेज ऑफ प्ले देखते हैं। यहाँ पे बॉल लेता है अराउहो एरिक गार्सिया को देता है, बॉल मूव करते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मूव कर रहे हैं, और दे ट्राई जैसे जैसे मूव कर रहे हैं बॉल को, मिंगेजा के पास बॉल आती है, मिंगेजा बॉल देता है डेम्बेले को, और डेम्बेले पे ट्रिपल टीम है, बुस्केट्स पे मार्कर है, पेद्री पे मार्कर है,
और बस उसके पास एक पास बचता है वापस मिंगेजा पे जाने का। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स जब उनके पास स्विच था, जैसा कि तुम इधर देख सकते हो, यहाँ पे फ्रैंकफुर्ट का ब्लॉक शिफ्टेड है दूसरी तरफ, द बॉल जस्ट डिडंट मूव फास्ट फास्ट इनफ, और यहीं पे बार्सिलोना फंस रही थी, क्या कह लो, परेशानियाँ हो रही थी, और यहीं पे कहीं ना कहीं बार्सिलोना रहेगी। और एक और मेरे को चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट दिखानी थी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मैं ये ऐसा लग रहा होगा कि बार्सिलोना ने जो गलती करी वो नहीं, इट्स ऑल टू द मेरिट ऑफ फ्रैंकफुर्ट, और कहीं ना कहीं ये शावी को सॉल्व करना है। लाइक आई थिंक कि जो लास्ट के 3-4 मैचेस ऐसे बेकार जा रहे हैं बार्सिलोना के लिए, वन ऑफ द मेन रीजन ये नहीं है सिर्फ कि प्लेयर्स थोड़े रन डाउन हो गए, फटीग है, इंजरीज वगैरह वगैरह, जो कि ऑब्वियसली प्ले इन टू दैट पार्ट, द बिगर रीजन इन माई ओपिनियन इज टैक्टिकल, और वह यह है कि शावी हैज़ टू सॉल्व द इशू ऑफ हिज इंटीरियर्स, जो कि अभी तक तो एटलीस्ट लगा नहीं, इवन अगेंस्ट रियल सोसिएदाद जिसने सॉल्व कर लिया है डेफिनेटली। क्या है तो अब एक प्रॉब्लम जो मैंने देखी वो ये थी, जो फ्रैंकफर्ट पेश कर रही थी, अब ये कह लो ट्रेनिंग, दिस इज ऑल ब्रिलियंट, तुम क्या कहोगे, मतलब ब्रिलियंटली उन्होंने ट्रेन करा है। अब ये देखो यहाँ पे बॉल चलाने की कोशिश करते हैं, चला रहे हैं, एंड देर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट जंप कह लो, एक एक डिसीजन लिया है फ्रैंकफर्ट प्लेयर्स ने टू ब्लॉक द इनवर्ड्स पास, और वो इम्पोर्टेंट था, वरना अराउहो कुड हैव फाउंड गावी देयर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटे छोटे शिफ्ट्स इन देयर मूवमेंट और मोशन, जिसकी वजह से जो बार्सिलोना को प्रॉब्लम थी वो हो रही थी। और आई थिंक यार भाई ये मतलब छोटा सा जो मेरे को लगा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और आई थिंक ये एक हिपोपोटमस का कॉन्सेप्ट ऑफ थोड़ा पैसिवली डिफेंड करना एरिया को, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे को लगता है चेस और फुटबॉल की जो एनालॉजी है वो काफ़ी काफ़ी बैठती है एक साथ और काफ़ी सेंस बनाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आई थिंक कि एक मेरे को एक रिक्वेस्ट थी, एंड दैट वॉज कि प्लीज़ ड्रॉप इन सम आइडियाज़, क्योंकि आई एम ऑनेस्टली रनिंग आउट ऑफ देम, मतलब ऑब्वियसली पॉडकास्ट नहीं बना पा रहा हूँ अभी क्योंकि लोग नहीं है फ्री उतने, लाइक इन टर्म्स ऑफ गेस्ट। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कुछ अगर तुम्हें कुछ और जानना है वगैरह, आइडिया कुछ एक्सप्लोर करना है, तो यू कैन ड्रॉप इन द कॉमेंट, साथ में बैठ के वी कैन एक्सप्लोर।